अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में वालदैन के साथ खैर वाफियत से होंगे। सिक्स क्लास हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट करने से पहले आज का पैगाम, बेहयाई नहीं करनी, शर्म का पहलू कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हम यूनिट नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने जो अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो था एलसीएम, ठीक है, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है। हमारा जो था, हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे वो लिए और उससे हमने एलसीएम फाइंड किया था। अब हम जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो एलसीएम इसका मालूम करेंगे। और उसके लिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 36, 48 एंड 56। इन नंबर्स को लेते हुए आज हम एलसीएम मालूम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं इस एलसीएम को फाइंड करने के। सबसे पहला स्टेप कि हम इसको शॉर्ट डिवीजन से इसके जो है प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, ठीक है। वो मालूम करने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है। स्टेप 1, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है इसका लेना, इसके हमने जो है वो प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 36। 36 के हम जब फैक्टर्स लेंगे वो इस तरह से होंगे। हम पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 वन्स आर 2, 1 कैरी दे देंगे, 16 हो गया, 2 एट्स आर 16, 18 फिर से 2 के टेबल में आ सकता है, 2 नाइन्स आर 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 3, 3 थ्रीज आर 9, अब अगेन 3, 3 वन्स आर 3। ये थे हमारे 36 के प्राइम नंबर्स, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास 48, तो हम 48 का ले लेते हैं, ठीक है। 2 टूज आर 4, 2 फोर्स आर 8, 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 सिक्स आर 12, 2 थ्रीज आर 6, और ये अब 3 से होगा, 3 वन्स आर 3, सिंपल। अब हमारा लास्ट नंबर है 56, 56, टू टूज आर 4, टू एट्स आर 16, टू वन्स आर 2, टू फोर्स आर 8, टू सेवन्स आर 14 एंड सेवन वन्स आर 7। ये हमारे पास जो हैं वो आए हैं इनके फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अरेंजिंग द प्राइम नंबर्स, ठीक है। अरेंज करना है हमने इनके प्राइम नंबर्स को, और फिर हमारा थर्ड स्टेप होगा, उसमें हम एलसीएम मालूम करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो सारे नंबर्स हम लिख लेते हैं, हमारे पास 36 है, 48 है और 56 है। इनके जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं, जो प्राइम नंबर हमारे पास मौजूद हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स 2 है और 2 ही टाइम्स 3 है, लिख लेते हैं 1 2, और ये 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, लिख लेते हैं 56 में हमारे पास 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 7 है। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करते हैं ज़रा देखें। इसको हमने नोटेशंस देनी है, ठीक है। 2 हमारे पास है और उसके बाद 3 है। कितनी दफ़ा 2 है? 1 एंड 2, स्क्वायर लगा देंगे। 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक।
उसके बाद 48 की तरफ आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास 2 है और 3 है, ठीक है। कितनी दफ़ा 2 है? 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, 2 to the power of 4। 3 हमारे पास 1 टाइम्स है तो इसकी हम पावर नहीं देंगे। 56 की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास 2 है और 7 है, ठीक है। कितनी दफ़ा 2 है? 1, 2, 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 लिख, ठीक है। 7 हमारे पास 1 है, ये हो गया, ठीक। अब ज़रा गौर करें, ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, 7 को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब ज़रा इसके देखें, हमारे पास 2 है, 3 है और 1 7 है। अब स्टेप 3 की तरफ जब हम इसको आएंगे तो ज़रा गौर करें कि हमारे पास जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है और यहाँ कौन सा है? वो है यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 सबसे हाई जा रही है, यहाँ पे 3 की पावर 2 सबसे हाई जा रही है और यहाँ पे 7 अकेला है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे हाई इसकी जो है वो पावर जा रही हैं, तो हमने इनको ले लिया है, क्योंकि अगर हम 4 पावर लेते हैं तो 2 और 3 भी उसी में ही कवर हो जाएंगे। अब हमारी हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, स्टेप 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम एलसीएम जो है वो मालूम कर सकें, ठीक है। हमारे पास क्या था, एलसीएम लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2 to the power of 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power of 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब ज़रा इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा 16। 3 3 3 ज़ा 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 7 ज़ा 63, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008, ठीक है। हमारे पास एलसीएम क्या आया है, 1008, ये हमारे पास एलसीएम आया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसके 3 स्टेप्स किए, फर्स्ट स्टेप में हमने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम किए हैं, सेकंड में इसके हमने फैक्टर्स जो हैं वो अरेंज किए, और लास्ट पे हमने थर्ड स्टेप में इसका एलसीएम मालूम किया है। ये था तरीका प्राइम फैक्टर मालूम करने का बाय एलसीएम मालूम करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, आप इसके स्टेप्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अगर इसको करेंगे तो आपके लिए कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जो होंगे उनका प्राइम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम मालूम करना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपके होमवर्क में जो है वो आ रहे हैं क्वेश्चंस पेज नंबर 40 पे, ठीक है। पेज नंबर 40 सबसे ऊपर ही है क्वेश्चन नंबर 2, उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो है वो आसान लगेगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, वक्त ज़ाया बिल्कुल मत कीजिएगा, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।